नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार आपका बिहार चुनाव डायरी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम इस कार्यक्रम में प्रतिदिन बात कर रहे हैं बिहार में होने वाले चुनावी गठबंधनों की या संभावित मुद्दों की या ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आने वाले विधानसभा चुनावों को प्रभावित कर सकती है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अतुल जी। हमारे साथ है अनीता चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार। अनीता जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष वत्स जी, जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट है। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हम निरंतर आपस में चर्चा करते चले आ रहे हैं कि किस प्रकार से बिहार में आने वाले विधानसभा चुनावों में कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं, कौन कौन सी बातें हो सकती हैं जो चुनाव के नतीजों को प्रभावित करें, उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा कोरोना का निकल कर आया है कि कोरोना काल में जो भी गतिविधियां हुई हैं उनका कहीं ना कहीं प्रभाव आने वाले विधानसभा चुनावों में दिखेगा। कोरोना से ही जुड़ा हुआ एक विषय है प्रवासी लोगों की घर वापसी का। जो लोग देश के कोने कोने में बिहार से जाकर काम करने के लिए निकले थे, गए थे, उनकी कहीं ना कहीं अधिकांश लोगों की घर वापसी हुई है और सरकार अब प्रयास कर रही है कि ऐसे लोगों को घरों में ही रोक लिया जाए, उनको अब वापस कहीं और जाकर काम ढूंढने की आवश्यकता ना हो। रवि जी, आपको लगता है जो प्रवासी जो लोग वापिस आए हैं, जो मजदूर वापस आए हैं, जब और अन्य गतिविधि में जो लोग जुड़े हुए थे देश भर से वापस आए हैं, क्या विधानसभा चुनावों में आने वाले वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? तो जब प्रदेश में उनके खाने पीने, उनके सामाजिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य की जब चिंता करने वाला कोई नहीं होने लगा, तब वे लोग अपने प्रदेश, अपने जिले, अपने गांव की तरफ लौटे और लौटते हुए बहुत ज्यादा दुखद तस्वीरें, आंखों में आंसू और दिल में बहुत कंपन पैदा करने वाली जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी। जाहिर है कि जो लोग वर्षों से बाहर रहकर रोजी रोटी अपनी कमा रहे थे, वो कितनी ही विपन्न परिस्थितियों में गुजर बसर कर रहे थे, अब जब वे लौट के आए हैं तो 3-4 महीने का समय चुनाव में है। अगर उनको ये लगेगा कि उनके राज्य में ही उनकी उनका रहना सार्थक है, उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अगर राज्य सरकार, नीतीश कुमार सरकार, उनके अंदर ये भरोसा पैदा करने में सक्षम रहेगी अगले 3-4 महीने और, या केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनके मन में एक जज्बा पैदा करेंगी कि हमें बाहर जाके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने स्टेट में ही, हम अपने प्रदेश में, हम अपने जिले में, हम अपने गांव में, हम अपने शहर में रहकर ही अपनी जिंदगी बहुत स्वाभिमान, बहुत आत्मनिर्भरता के साथ अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर चला सकते हैं, तो वो लौटेंगे नहीं। और जाहिर है कि अगर ऐसा होता है, अगर को मैं रेखांकित कर रहा हूँ, बोल्ड कर रहा हूँ, कि अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि बिहार में रहना उनके लिए श्रेयस्कर है, तो जाहिर है कि इसका एक सकारात्मक प्रभाव वो चुनाव प्रक्रिया में भी हिस्सा लेंगे इस रूप में भी, जो बाहर से वोट टालने नहीं आ पाते थे दूर दूर से, वो इस बार चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे, इस रूप में चुनाव के लिए एक सकारात्मक बात होगी। और जाहिर है कि अगर सरकार उनको ये भरोसा दिलाने में कामयाब होती है तो सत्तारूढ़ जो गठबंधन है, सत्तारूढ़ जो सरकार है, नीतीश कुमार सरकार, उसको इसका एक सकारात्मक फायदा मिलेगा। मैं थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालूं, लेकिन 1 जून के बाद हमने देखा जब ट्रेनें चलनी शुरू हुई तो हजारों लोगों की, उन्हीं मजदूरों की, उन्हीं जगहों पर वापसी दोबारा शुरू हो गई, ये ऐसे दृश्य भी हमने देखे हैं। हालांकि जो राज्य सरकार है उसके जो उद्योग मंत्री श्याम रजक हैं, वो उनका ये मानना है कि साहब ठीक है, कुछ लोग वापस इसलिए भी जा रहे हैं कि उनके जो मालिक थे, कारखाना मालिक थे जहां वो काम कर रहे थे, उन्होंने उनको बेहतर परिस्थितियां, ज्यादा मेहनताना, ज्यादा वेतन देने का वादा किया है, इसलिए वो लोग जा रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है और सही बात भी है। अगर उनको उनका पुनर्वास बेहतर तरीके से, बेहतर जीवन परिस्थितियां जो है जीवन के लिए उनके अनुरूप हो रहा है तो जाएं। लेकिन सरकार का ये मानना है कि केवल जितने आए हैं उनका डेटा तैयार हो रहा है और उनमें से केवल 10% वापस जाएंगे।
और शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने खुद छठवां आदेश के नाम संबोधन करके पिछले दिनों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का एक्सटेंशन 5-6 महीने के लिए किया था। और बिहार सरकार भी अपने स्तर पर काफी नए प्रयास, व्यंगम प्रयास कर रही है इस दिशा में। जैसे कि बिहार में इस समय 36 श्रम कानून लागू हैं, तो मजदूरों को, श्रमिकों को जो वापस लौटे हैं उनको खपाने के लिए इन 36 श्रम कानूनों में से कुछ कानूनों में या तो रिलैक्सेशन दिया जा रहा है या कुछ कानूनों को हटाने पर जो है दोबारा से विचार सरकार ने शुरू कर दिया है। करीब 9 लाख जो बिहार के श्रमिक हैं उनको मनरेगा, जो बड़ा महत्वाकांक्षी योजना प्रदेश में है, उसके तहत उनको लाभ दिया जा रहा है। और बाकायदा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, सो दैट के उनके जो लौटे हैं उनके जो स्किल्स हैं उनको और एनहांस करके उनको नौकरी दी जा सके। तो केवल ये भावनात्मक मुद्दा नहीं है, ये बाकायदा एक प्रैक्टिकल, एक प्रयोगात्मक सोच है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी एनडीए की सरकार है और बिहार में भी एनडीए की सरकार है। जी जी रवि जी, बिल्कुल ठीक बात है कि कहीं ना कहीं से सरकार बहुत व्यवहारिक होती दिखाई दे रही है। अनीता जी, आपके बिहार में एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है जिसके अंदर जो पत्नी है या जो प्रेमिका है वो रेल को बड़ा बैरी बताती है, जो पिया को परदेश लेकर जाती है, लेकिन इस बार जो रेल वापिस आई है वो पिया को घर लेकर आई है। तो जो एक सामाजिक ताना बाना है, जो कहीं घर परिवार के जुड़ने की बात है, तो आपको क्या लगता है कि क्या परिदृश्य बनेगा? और जो बिहार की जो महिलाएं हैं जिनके पति अपने घर वापस आए हैं और अगर उनको वहीं रहने को मिलता है, क्योंकि सरकार बहुत काम कर रही है, जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके पढ़ाई की व्यवस्था भी उन्होंने कहा है कि जो जहां पर रहकर पढ़ना चाहे वो पढ़ाने के लिए व्यवस्था करेंगे। तो आप बताइए, जो परिवार इकट्ठा हो रहा है, तो जो बैरी रेल थी उससे एक तो शिकायत दूर हुई होगी महिलाओं की कि नहीं, और अब जो पिया को लेकर घर आई है वो क्या बिहार चुनाव में क्या असर डालेगी? क्योंकि आपने बिरहा के गीत से शुरू किया तो मैं पुरवा कैसे उससे जवाब देती हूँ। एक शैली है पुरवा जो बिहार में गाई जाती है कि अंगूरी में डसले भी है नगिनिया ये सभी सैया के बुलाए, तो उसका लास्ट लाइन जो है ना कि कोई भी है, वो बोलती है कि झूठ भइल ओझोवा के झाड़ फूक मंत्र, अब तो जी अब जब उहे दी है जंतर, बांध लिए हमारी नजरिया ये नंदी सैया के बुलाए। तो वो जो सैया है ना वो आ गया है और सारा कोई ओझा मंत्र नहीं चाहिए, जो नजर मिली थी वो मिला है। बिहार सरकार को बकायदा होने वाला है, किस लिहाज से होने वाला है ये जानना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं वो बैठ गए थे, वो एक अजीब सी भूचाल उनके अंदर आ गई थी कि ये कोरोना आ गया है, वो हमारे पास रोजगार नहीं है, यहाँ मेरा अपना कोई नहीं है, मुझे घर जाना है। वो उनको वो सारी पॉलिसीज समझ में नहीं आई जो सरकार उनको दे रही थी, वो मुफ्त का खाना उनके समझ में नहीं आ रहा था, उनको कुछ भी बातें समझ में नहीं आ रही थी, और उनको बस और बस ये लग रहा था कि मैं किसी तरह अपने नेटिव लैंड पहुंच जाऊं, मैं अपने जो मेरा जो जन्म स्थली है वहां पहुंच जाऊं, अब वहां चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस दौरान इस आवाजाही में जो कष्ट उनको उठाना पड़ा, अब दिल्ली सरकार की ही बात कर लीजिए तो दिल्ली सरकार ने उनको एक 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 मुहाने पे लाके छोड़ दिया, उसके बाद कैसे जाना है वो व्यवस्था देखने को उनको नहीं मिला, ना खाने पीने की चिंता, ना चलने की चिंता, ना परिवहन का कोई उनको सुविधा मिली। सेम चीज मुंबई में हुआ और कुछ ऐसी ही कमोबेश जो हालत थी वो राजस्थान और पंजाब में भी रही। वो वहां से निकले जो हम लोगों को टेलीविजन पे दृश्य दिखाई दिया, आप उस पर भ्रमित मत हो कि वहां पे जब वो निकले तो पैदल ही चलते रहे, वो वहां से निकले लेकिन वो वहां से पैदल चलते हुए जहां जहां वो गए वो उस बॉर्डर पे उनको जो कष्ट उठाना पड़ा, क्योंकि जो 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 बीजेपी शासित राज्य नहीं थी उनकी मंशा ये थी कि हम केंद्र सरकार को फेल कर दे, इसलिए जो सुविधा उनको प्रदान करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की, और जहां वो जिस मोटिव को लेकर वो चले थे कहीं ना कहीं वो विफल हो गए। क्योंकि जैसे ही वो मजदूर जब जिस राज्य में बीजेपी शासित का बीजेपी का शासन था वहां पहुंचते थे उनको सुविधाओं की ढेर लगा दी जाती थी,
उनके लिए गाड़ियां चला दी जाती थी, जगह जगह पे खाने बट रहे थे, पानी बट रही थी। हालांकि कुछ हादसे भी हुए जो बहुत दिल को दर्द देने वाले थे, लेकिन उन हादसों के बावजूद जो बीजेपी शासित राज्य थे उन्होंने उनके लिए मुआवजे का ऐलान भरपूर किया, उनका स्वागत किया, उनके लिए संवेदनाएं जताई। बाकी राज्य जो है वो पॉलिटिक्स करते रह गए। तो इतनी बात तो मजदूरों को समझ में आ गई कि हम जिस बहकावे में चल रहे थे उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। और जब जब बात सुविधा की आती है तो कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार जो है उनके दिल में ये जगह बनाने में कामयाब रही कि अगर आपको सुविधा पाना है, अगर आपको सुरक्षित रहना है, तो आपको बीजेपी पे विश्वास करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो बीजेपी को मिला है। अब मैं आऊंगी नीतीश सरकार की तरफ। जैसे ही ये मजदूर वहां पे पहुंचे बिहार में, केंद्र सरकार ने अपनी मनरेगा योजना जो है उसको शुरू कर दिया ताकि लोगों को इमिडिएटली पैसा आना शुरू हो जाए। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से जो उनको हर महीने देने का वादा किया गया था उसकी अवधि में भी इजाफा किया, और उनकी कोशिश रही कि हर एक व्यक्ति तक वो सुविधा पहुंचे। तो जब वो वहां पहुंचे तो ऑलरेडी उनके पास पैसे आ रहे थे उनके खाते में। साथ ही नीतीश कुमार ने देखा कि ये क्योंकि मनरेगा के अंदर एक परिवार से एक व्यक्ति सिर्फ 100 दिन काम कर सकता है, इससे ज्यादा उसको काम करने की सहूलियत नहीं है, जिसमें उसको 225 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं। तो ये जो अमाउंट है वो पूरे साल के लिए सफिशियंट नहीं है या उतने अवधि के लिए सफिशियंट नहीं है। नीतीश कुमार ने तुरंत एक नोटिफिकेशन, एक रिक्वेस्ट लेटर जो है वो केंद्र सरकार को भेजा कि कुछ भी हो जाए ये जो मनरेगा का ये जो पॉलिसी है ये कहीं ना कहीं मजदूरों के लिए उतना लाभदायक नहीं है, इसकी अवधि बढ़ाई जाए और 100 दिन से इसको बढ़ा के कम 225 दिन किया जाए। तो केंद्र सरकार के अंदर भी हालांकि विचाराधीन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 225 दिन नहीं भी किया जाएगा तो उसको कम से कम उसकी अवधि जो है 150 से 200 दिन के बीच में रखा जाएगा और नंबर ऑफ पर्सन जो है पर फैमिली उनको भी बढ़ाया जाएगा। अब बात है कुटीर उद्योग की तरफ। जो कुटीर उद्योग गांवों से गायब हो चुका था, जो छोटे छोटे लोहार, कुम्हार और जो बड़ाई, ये सब बिल्कुल आज के दिन में जो हम जब गाँव में रहते थे तो हमें याद है कि आपको ये सुविधाएं घर में मिल जाती थी। आप तुरंत किसी बड़े को बुलाते थे और वो आके आपके घर का काम कर जाता था, आपको बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होती थी। कुम्हार होता था, लोहार होता था, लेकिन आज ये जो कुम्हार लोहार है वो एक विलुप्त टाइप की के शब्द है गाँव में। अब केंद्र सरकार की जो माइक्रो, जो बार बार हम बोले MSME का बहुत अहम रोल रहेगा, तो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की अब कोशिश है कि जो ये कुटीर उद्योग थे, जो छोटे छोटे लघु उद्योग थे, उनको बढ़ावा दिया जाए और जो ये कुम्हार, लोहार, बढ़ई और बाकी जो छोटे छोटे उद्योग से जुड़े हुए लोग थे उनको उसी जगह पे अपनी कुछ कलात्मक, अपने अपने जो उनकी उनके अंदर जो उपलब्धियां हैं, उनके अंदर जो योग्यता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको एस्टैब्लिश किया जाए। तो ये जो, और साथ ही प्रधानमंत्री जब छठी बार उनको उन्होंने अनाउंस किया तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे दिया कि आपको ये सारी चीज दी जा रही है। फिलहाल शहरों में कोई रोजगार इतना ज्यादा है नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं, आप वहां रहे, आपको खाने पीने का आपका इंतजाम हो चुका है। और वो कहीं ना कहीं, और बिहार जो है, बिहारी अमूमन भी आप देखेंगे तो फैक्ट्रियों में जो है वो भले इस बार मार्च से हो गया क्योंकि कोरोना की वजह से लोग जल्दी चले गए, लेकिन जब फेस्टिवल सीजन शुरू होता है नवरात्रि के बाद से ही, नवरात्रि के समय से बिहारी मजदूर जो है अपने गांव जाना शुरू कर देते हैं। वो नवरात्रि दुर्गा पूजा में जो दशमी का दशहरा होता है अपने घर में मनाना चाहते हैं, दिवाली अपने घर में मनाना चाहते हैं, और उसके बाद छठ पूजा करते हुए जो होली से पहले वो वापस अपने काम पे लौटना चाहते हैं। उस पीरियड में आप देखेंगे कि हर जगह पे मजदूरों की कमी रहती है। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है राज्य सरकार को मिलने वाला है अगर राज्य सरकार अगर इसको अच्छी तरह से इनकैश करती है और उनके लिए कुछ न कुछ उद्योग के साधन को उपलब्ध करवाने के लिए उनके सामने प्रस्ताव रखती है, तो ये बहुत बड़ा फायदा नीतीश कुमार को होने वाला है। जी जी जी। मनीष जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो प्रवासी मजदूर हैं इनको लेकर किस तरीके से सोशल मीडिया और बाकी जगह पर क्या माहौल और क्या रिस्पॉन्स है, जैसे क्या लोगों की अपनी राय है, क्या बन रही है कि भाई जो सरकार कर रही है वो प्रयास पर्याप्त है या नहीं है, और किस तरीके का एक माइनस दिखाई दे रहा है, किस तरीके की चर्चाएं चल रही है? हाँ, तो मेरा यही मानना है कि जो चुनाव का समय होता है बिहार में वो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, छठ, दीपावली और
दशहरा है, ये तीनों महत्वपूर्ण त्योहार हैं। उसमें से छठ तो बिहार में सबसे धूमधाम से मनाया जाता है। तो ज्यादातर हर साल वो प्लान करने वाले लोग होते हैं जो प्रवासी मजदूर हैं, या सिर्फ इन्हें मजदूर कह सकते हैं, वो लगभग उस समय अपने घर आते ही आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसका चुनाव पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। हाँ, जहां तक कोरोना का सवाल है, तो जो चर्चाएं चलती है सोशल मीडिया पे, तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात उठती है, बराबर उठती है कि आखिरकार इन मजदूरों ने प्लान क्यों किया, किनकी गलती थी? अगर बिहार में रोजगार होता तो निश्चित तौर पर प्लान नहीं करते, चाहे 15 साल का लालू यादव का शासन रहा हो, राजद का शासन रहा हो, या फिर इस 15 साल में नीतीश कुमार रहे हो, तो कहीं ना कहीं लोग दोनों को दोषी मानते हैं। अगर 15 सालों में लालू यादव ने रोजगार को खत्म किया, तो 15 सालों में नीतीश कुमार ने उस रोजगार को बहुत बड़े लेवल पे स्थापित करने की कोई योजना नहीं बनाई, जिसके कारण जो प्लान हुआ था वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चला गया। तो सोशल मीडिया पर जब चर्चा करते हैं तो ये चीज सामने आती है, लोग ऐसी बातें करते हैं कि अगर रोजगार होता बिहार में उद्योग धंधे लगते, तो निश्चित तौर पे इतनी बड़ी मात्रा में प्लान नहीं होती। और जहां तक बात है योजनाओं की, केंद्र सरकार की योजनाओं की, तो अभी हाल ही में जून में प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण रोजगार योजना नाम से कोई एक योजना लॉन्च किया है, जिसके तहत लोगों को रोजगार देने के लिए उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसका बहुत बड़ा लाभ बिहार के लोगों को मिलने जा रहा है और मिल भी रहा है। इसके अलावा नीतीश कुमार भी इसके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जिला स्तर पर योजनाएं बना रहे हैं, लोगों को लिस्टिंग कर रहे हैं कि कौन किस लेवल पर है, किस आधार पे उनको रोजगार मिले। अब कोई बहुत अच्छा बढ़ई का काम कर सकता है, कारपेंटर का काम कर सकता है, कोई बहुत अच्छा मैकेनिकल वर्क कर सकता है, तो उस आधार पर लिस्टिंग कर रहे हैं और उसके आधार पर काम देने की बात वो कर रहे हैं। लेकिन लोग ये भी जानते हैं कि चुनावी साल है, अगर नीतीश कुमार चाहेंगे भी तो बहुत कुछ इन 2-4 महीनों में नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक मैसेज जा रहा है लोगों में कि प्रयास हो रहा है, शायद अब इस बार कुछ अच्छा हो जाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में कितने भी बड़े मुद्दे हो जाए, चाहे कोरोना का मुद्दा हो या उद्योग का मुद्दा हो, जब चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं जातिगत चीजें जातियां प्रभावित करती हैं। तो उस आधार पर ये भी चर्चा होती है सोशल मीडिया पे, लोग चर्चा करते हैं कि हम कितना भी उद्योग, रोजगार, कोरोना, हर तरह की चर्चा करें तो आधार पर ही जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है, लोग चर्चा करते हैं, लोग बात करते हैं, तो इस तो जो कुल मिलाकर दिखाई देता है कि प्रवासी लोग जो बिहार में वापस आए हैं, उनके आने से जिस प्रकार की योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार मिलकर चला रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है और ऐसा होता दिख भी रहा है कि शायद सत्तारूढ़ दल को उसका लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी ओर जो ये इस बात से भी लगता है कि कहीं ना कहीं इसी कारण जो विपक्षी प्रमुख दल है RJD या कुछ और लोग की जो मांग कर रहे हैं कि भाई कोरोना काल के कारण चुनाव थोड़ा आगे खिसकाने चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे ये वाला भय भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं मिलकर और जो बिहार का मतदाता है जो वो प्रभावित हो और कहीं ना कहीं उसका लाभ सत्तारूढ़ दल को मिले, इस डर को भी ध्यान में रखते हुए शायद चुनाव आगे टालने की बात की जा रही है। बिहार अपडेट में आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम अभी फिर किसी और मुद्दों पर भी बात करेंगे और अभी ज्वलंत मुद्दे आएंगे, हम आपके बीच में आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उससे रिलेटेड मुद्दे भी लेकर आएंगे। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपनी जगह के मुद्दे आप हमारे को ईमेल के द्वारा हम तक भेजें। हमारी ईमेल आईडी है biharupdate@gmail.com और साथ ही आप हमारा गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ध्यान रहे, ये बिहार का चुनाव है, ये जनता का चुनाव है, जनता की सहभागिता जितनी रहेगी, जितने आपसे जुड़े हुए मुद्दे हमारे तक पहुंचेंगे, हम उतने मुद्दे सत्तारूढ़ दल विपक्ष तक पहुंचाएंगे। अभी समय है, उनके जो
इलेक्शन मैनिफेस्टो बनने का, तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात उन तक पहुंचे और आपके मुद्दे आपके सरोकार उसमें जुड़े। रवि जी आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपको धन्यवाद। अनीता जी आपका भी धन्यवाद। मनीष जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी धन्यवाद। बिहार अपडेट में आज सिर्फ इतना।